नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दर्ज मामले में जांच करते हुए सोसाइटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। सीए अनिल कुमार जैन सोसाइटी में कई पदों पर काम कर रहा था। जांच के दौरान एसओजी को जैन के खिलाफ कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे पता चलता है कि उनके द्वारा कैसे करोड़ों रुपए का हेरफेर कंपनी को फायदा पहुंचाने में किया गया। इस पर एसओजी की टीम के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। एडीजी एसओजी एवं एटीएस अशोक राठौर ने बताया कि नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किए गए गबन के प्रकरण में सीए की भूमिका पहले से ही संदेह पर थी। अनुसंधान के बाद सीए के खिलाफ कई अहम सबूत एसओजी को जांच के दौरान मिले, जिसके बाद लालकोठी जयपुर निवासी सीए अनिल कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के श्री नाथ जी की हवेली में बीती रात पुराना जर्जर मकान ढहने से एक नाबालिग सहित तीन लोगों की मौत हो गई। दो मंजिला मकान का ऊपर वाला फ्लोर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मकान गिरने से 5 वर्षीय अनन्या और 55 वर्षीय महिला संगीता की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य रोहित शर्मा घायल हो गया, जिसे एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। रोहित की मौत के बाद एमबी अस्पताल परिसर में परिचितों और क्षेत्रवासियों ने काफी आक्रोश जताया। बताया जा रहा है कि मकान बहुत पुराना और जर्जर हालात में था। सीकर जिले में त्रिवेणी टोल कर्मियों की ओर से टोल वसूली की बात को लेकर फौजी और उसके साथियों से मारपीट करने व जानलेवा हमला करने के मामले में अजीतगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजीतगढ़ पुलिस ने बताया कि 4 अप्रैल को अजीतगढ़ शाहपुरा स्टेट हाईवे स्थित RSRDC के त्रिवेणी टोल प्लाजा पर रात को खाटू श्याम जी जा रहे कार सवार श्रद्धालुओं व टोल कर्मियों के बीच टोल फीस को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें कार सवार 5 लोग घायल हो गए। कार में सेना का एक जवान भी था। टोल कर्मियों ने लोहे की रॉड से कार सवार लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने गोपाल जाट के पर्चा बयान के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी 25 वर्षीय अमित उर्फ बलराम निवासी वार्ड नंबर 20 धबाइयों की ढाणी शाहपुरा जयपुर को गिरफ्तार किया है। अजमेर में दुष्कर्म मामले में जांच के दौरान क्रिश्चनगंज पुलिस ने एक होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। होटल मैनेजर पर बिना आईडी लिए दुष्कर्म आरोपी और पीड़िता को होटल में कमरा देने का आरोप है। अप्रैल 2023 में क्रिश्चनगंज थाने में एक नाबालिग के साथ होटल के कमरे में दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। मुख्य आरोपी को पुलिस ने 10 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित होटल कैलाश पैलेस के मैनेजर 29 वर्षीय ओंकार सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी होटल मैनेजर ने घटना के दिन बिना आईडी कार्ड लिए आरोपी और पीड़िता को होटल का कमरा दे दिया था। इसके साथ ही होटल के रजिस्टर में भी एंट्री नहीं की। अलवर जिले के नोगामा कस्बे में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। लाठी फरसे से हुए हमले में 3 महिलाओं सहित 16 लोग घायल हो गए। इनमें 2 चचेरे भाइयों मंगतू व ब्रजेश माली निवासी नोगामा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों व सैकड़ों ग्रामीणों ने दोनों के शव कस्बे के शेरपुर गेट पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस पर सूचना के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाने के स्टाफ को हटाने, अलवर एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। डीएसपी सरिता सिंह, एसडीएम अमित वर्मा, डीएसपी शंकर लाल व तहसीलदार धीरेन्द्र कदीम ने समझाइश की। देर रात ग्रामीण अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। तनाव की स्थिति को देखते हुए 4 थानों की पुलिस व QRT तैनात कर दी गई। देर रात पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने जाम खुलवाया और पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ वार्ता शुरू की। प्यारेलाल सैनी ने बताया कि उन्होंने सुबह ही पुलिस को मौके से घटना की सूचना देकर बताया कि यहां झगड़ा हो सकता है, मगर कोई नहीं पहुंचा। पुलिस समय रहते एक्शन लेती तो 2 जाने बच जाती। पाली में 27 साल के एक युवक को तेज रफ्तार आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक फैक्ट्री जा रहा था, इस दौरान यह हादसा हो गया। औद्योगिक थाने के SHO हिंगलाजदान ने बताया कि घटना जोधपुर रोड फटवाड़ा के निकट हुई। तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक सवार बिहार हाल निवासी पाली के महादेव बगीची राजेंद्र नगर निवासी 27 साल के राकेश पांडे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में मृतक की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। जवान बेटे की मौत से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात के बाद अब राजस्थान के पाक विस्थापित 27 डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन आरएमसी ने किया है। ये डॉक्टर्स 9 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये डॉक्टर्स अब राजस्थान में कहीं भी क्लिनिक खोल सकेंगे। पाकिस्तान में 20 साल तक इलाज करने वाले डॉक्टर्स वहां के बदहाल हालात के चलते भारत में आ गए थे, लेकिन नियम और मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वे इलाज नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसका प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट करवाया था। पाकिस्तान में हालात इस कदर खराब थे कि वहां 20 साल से कम कर रहे डॉक्टर्स भारत आ गए। इनके पाकिस्तान में डायग्नोस्टिक सेंटर्स और नर्सिंग होम थे। भारत में बतौर शरणार्थी आए तो यहां प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। इसके अलावा पाकिस्तान से MBBS की डिग्री की मान्यता का पेच फंसा था। कुछ और डॉक्टर्स का भी जल्द रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही दूसरी बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहाँ एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मृतक की शिनाख्त लोकेश जैन मीना फड़किया के रूप में हुई है, जो कि करौली जिले का निवासी था। बता दें कि हादसे के बाद बाइक में आग लग गई थी, जिसमें बाइक बुरी तरह से जल गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीकर के उद्योग नगर इलाके में तेल गोदाम से लाखों रुपए का तेल चोरी होने का मामला सामने आया है। मालिक दुकान बंद करके अपने घर पर चले गए। अगले दिन जब वह दुकान पर लौटे तो उन्हें ताले टूटे हुए मिले और नीचे बेसमेंट में रखा 4 लाख रुपए का तेल गायब मिला। सीकर शहर निवासी शुभम ने उद्योग नगर थाना में दी रिपोर्ट में बताया कि उनका फूड ऑयल का बिजनेस है, जिनका जयपुर रोड में इंडस्ट्रियल एरिया के पास गोदाम है। गोदाम के बेसमेंट में करीब 250 तेल के 3 डिब्बे चोरी हो गए। तेल की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। फिलहाल उद्योग नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि घटना के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश चोर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बारा के किशनगंज थाना क्षेत्र में कृषि कार्य करते समय ट्रैक्टर से गिरने पर युवक की मौत हो गई। किशनगंज थाना ASI घनश्याम नागर ने बताया कि थाना क्षेत्र के स्वरूपपुरा निवासी 28 वर्षीय उद्दालाल खेत पर कृषि कार्य के लिए परिजनों के साथ गया था। इस दौरान खेत पर बुआई करते समय वह ट्रैक्टर में बैठा हुआ था। इस दौरान युवक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए किशनगंज अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।